हटो एक जाने दो दिखाता हूं सर, ऑपरेशन प्रहार चला गया, क्या है पूरा मामला? देखिए, पुलिस कमिश्नर महोदय के आदेश से, जॉइंट कमिश्नर महोदय के आदेश से और हमारे डी सी पी सिंपल महोदय के निर्देशन में आज एक कोड़ा में जॉइंट ऑपरेशन किया गया, जिसमें गाजियाबाद की पुलिस, नोएडा की पुलिस और दिल्ली की पुलिस, तीनों पुलिस की टीम बनाई गई। लगभग 200 जवान हमारे अधिकारियों के साथ यहाँ इस पूरे एरिया में लगभग 10 किलोमीटर का एरिया हम लोगों ने कवर किए हैं पुलिस की टीम। इसमें हमारे गाजियाबाद पुलिस की तरफ से एसपी सिटी, एसएचओ इंदिरापुरम, सीओ इंदिरापुरम, उसके बाद हमारे जो कोड़ा के एसएचओ हैं वो हमारे यहाँ से हमारे डीसी सिटी साहब लीड कर रहे थे पूरी टीम को, और एसीपी फर्स्ट, एसीपी सेकंड, एसएचओ 58, बगल के हमारे थाने के सभी पुलिस अधिकारी, पुलिस पंचायत, हम सब लोगों ने मिलकर के आज यहाँ रेड किया। और रेड करने का मकसद केवल ये था कि NCR में अपराध करने वाले, खासकर स्ट्रीट क्राइम्स करने वाले सारे अपराधियों को हमें एक बार जाकर उनको उनका वेरिफिकेशन करना था और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी। इस पूरे ऑपरेशन में आज हम लोगों ने 26 जगहों पर दबिशे दी, उसमें से 5 लोगों को हम लोगों ने वहाँ से उठाया है, 5 संदिग्ध उठाए गए हैं और 5 में से एक जो पकड़ा गया है वो शातिर स्नैचर है, NCR का, इसका नाम सचिन रैपर है। इसके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं और ये दिल्ली से और हमारे यहाँ से PHO वहाँ से चल रहा था। फॉर्चुनेटली आज वो हम लोग को हमारी टीम को मिल गया है, हम लोगों ने यहाँ ये हमारा ऑपरेशन प्रहार थर्ड था। पहले भी हम लोगों ने कोड़ा में ऑपरेशन प्रहार चलाया है, संयुक्त अभियान ही चला था। वो प्रयास ये रहता है हम लोगों का, जितने सारे अपराधी यहाँ रहते हैं उनका क्राइम क्षेत्र ऑलमोस्ट ये तीनों एरिया रहता है, इसलिए जहाँ जहाँ से जो हमारे यहाँ से वांटेड हैं या जो हमारे यहाँ से पहले जेल गए हैं सबको हम लोग सूचीबद्ध किए हुए हैं और उस सूची लेकर के हम लोग बैठ करके पहले एक बार एक वर्कआउट करके, होमवर्क करके हम लोग उसके बाद फिर अपनी टीम के साथ कमी देते हैं। और आज जो ऑपरेशन प्रहार का थर्ड फेज था, हम लोगों ने आज ये पूरी कार्रवाई की है। मैं समझता हूँ कि घंटों भर चले इस ऑपरेशन में तमाम इस एरिया में हम लोगों ने एक मैसेज देने का प्रयास किया है, इस एरिया में कोई भी क्रिमिनल नहीं रह सकता। संकीर्ण गलियों में किसी कोने में जाके कोई घुस के अगर ये चाहे तो मैं बच जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। और हमारी सारी टीमें हमेशा निगाह लगाए रखी हैं, हमारे जो इन्फॉर्मर्स लोग हैं उसको भी हम लोग यहाँ डिप्लॉय रखे हैं और हमारा कॉन्स्टेंट सर्वेलांस और हमारा अटैकिंग के ऊपर चलता रहेगा। इस पूरे कोड़ा को हम लोग क्लीन करना है, कोड़ा में कोई भी अपराधी की कोई जगह नहीं है। आपने पता होगा यहाँ पे लोग किराएदारी के नाम पे लोग अनवेरीफाइड लोगों को रखते हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ के लोगों को भी बताया है कि जो लोग भी आपके यहाँ आ रहे हैं उनको उनका वेरीफिकेशन सुनिश्चित कराया जाए। हाँ, हमारे किराएदार
काफी देर होगी बुला नहीं पाया, बहुत देर कह रहा है। कौन से चैनल से?